नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत कमाल होने वाली है, जो आज ब्लॉग होने वाला है। और ये जो आप साइट देख रहे हैं इस पर होने वाला है लेंटर वर्क, पूरा आप इसको देखेंगे और पूरा इसमें समझेंगे कि पहाड़ों पर कितना हार्ड वर्क होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते और समझते हैं, और आपको भी ये देखने और जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन कार्य होता है। दोस्तों पहला स्टेप शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा सेटरिंग वर्क। कमेंट कर जरूर बताएँ कैसा लगा। अच्छी सेटरिंग भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक बढ़िया लेंटर के लिए, ये तो आप जानते ही होंगे। पूरी सेटरिंग यहाँ पर नई प्लाई द्वारा हो रही है, आप देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहाड़ों पर सेटरिंग लकड़ी द्वारा ही होती है। दोस्तों अगला कार्य जो अब आता है वह है टाइबीन के लिए सरिया कॉलम तैयार करना और पूरी सेटरिंग पर सरिया जाल बनाना, ताकि एक और स्टेप आगे बढ़ जाएं। दोस्तों पहाड़ों पर कार्य करना इतना आसान नहीं है, ये बखूबी वो लोग समझते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना घर बनाया हो या जो बना रहे हैं। काफ़ी मुश्किल और कॉस्टली होता है शहरों के बजाय पहाड़ों पर घर बनाना, और कई दिन भी लग जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह घोड़ों द्वारा मटेरियल रोड से ऊपर लाया जा रहा है और स्टॉक किया जा रहा है लेंटर के लिए। अगर रोड पर होता तो घोड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा रोड से ऊपर है तो इसलिए घोड़ों की भी ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों हमारा सरिया जाल का कार्य लगभग पूरा हो गया है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार सरिया का जाल बनाया हुआ है। इस पर हमने अच्छी क्वालिटी की सरिया का यूज किया हुआ है, और आप छल्लों की दूराई भी देख सकते हैं। हमारा कार्य आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएँ। अगर साथ में वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों लगभग सारे कार्य हो चुके हैं, लेंटर की पूरी तैयारी हो चुकी है। मटेरियल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक कर दिया है घोड़ों ने, और लेबर आ चुकी है, और काफ़ी जद्दोजहद और बड़ी मुश्किल के बाद हम यहाँ पर मिक्सर मशीन ला गए हैं। और दोस्तों मुश्किल होती है लेकिन उतना भी टफ नहीं रहता, और कार्य शुरू हो चुका है, मसाला तैयार हो रहा है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार लेंटर की तैयारी हो रही है और लेंटर पड़ रहा है। तो सबसे पहले और ज़रूरी कदम मसाला डालने से पहले कि सीमेंट का घोल बनाकर अच्छी तरह उस पर डाल लें, ताकि जब आप मसाला डालें तो सीमेंट का घोल आपस में अच्छी से कनेक्ट हो जाए। आप देख सकते हैं नीचे मसाला तैयार हो रहा है और ऊपर हमें डालना है। थोड़ा मुश्किल है, टफ नहीं है। मैं आगे आपको दिखाते जाता हूँ किस प्रकार लेंटर पड़ रहा है। दोस्तों कार्य शुरू हो चुका है, लेंटर काफ़ी बड़ा है, लगभग 1800 स्क्वायर फीट इसकी एरिया है। और हमारा सबसे पहला फोकस यही है कि इसकी टाइबीन्स के जो कॉलम हैं वो भर लें, जिसमें काफ़ी समय लगता है आप देख सकते हैं। और टाइबीन्स कॉलम भी काफ़ी बड़े हैवी हैं, तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कार्य हो रहा है। दोस्तों एक और ज़रूरी कार्य आप देख रहे होंगे, जो ये कॉलम्स भरे जा रहे हैं उस पर हम वाइब्रेटर चला रहे हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। और यह ज़रूरी भी है ताकि हमारा मसाला बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो सके और सरिया से बढ़िया पकड़ बना पाए। दोस्तों अभी आया हूँ नीचे, और यह वह साइट है जहाँ पर अभी कार्य हो रहा है। इसकी एक बार आपको लुक दिखा रहा हूँ, मैंने इसके पिछले भी बहुत से वीडियोस डाले हैं जिसको आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। बहुत इन्होंने डेवलप कर लिया है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे केवल एक किचन और दो रूम्स थे, अब धीरे धीरे ये बहुत डेवलप कर चुके हैं। और जो इनका प्लान है होम स्टे के लिए, उसके लिए इन्होंने काफ़ी यहाँ पर बना भी लिया है, और लोकेशन भी बढ़िया है, और जो इनका पर्पज है वो भी बढ़िया है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सारी टाइबीम्स भर चुकी हैं, और अब बस लेंटर रह गया है, क्योंकि मेन टाइबीम्स ही थी जो थोड़ा वक्त लेती हैं, फिर भी चलिए थोड़ा जल्दी ही हो गया। दोस्तों फाइनली लेंटर डालना स्टार्ट हो गया, आप देखते हैं कितना समय लगता है। बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों पर, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का समन्वय बिठाना पड़ता है और बहुत समय खर्च होता है, साथ में पैसा भी खर्च होता है पहाड़ों पर घर बनाने के लिए। आप समझ सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना कार्य करने के लिए लगभग हमें 15 दिन का समय लग चुका है, क्योंकि इतना वक्त मटेरियल आने से लेकर सेटरिंग वर्क, साथ में मटेरियल को रोड से ऊपर घोड़ों द्वारा पहुँचाना, और साथ में लेबरों की व्यवस्था बनाना,
और ये सभी कार्य करने वाले भी दोस्तों हल्द्वानी से ही आए हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लोगों की व्यवस्था कर पाना उतना भी आसान नहीं रहता। दोस्तों अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कठिन है शहरों के बजाय। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। दोस्तों लगभग आधा डल चुका है लेंटर, और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आपने भी पहाड़ों पर कहीं पर ज़मीन ली है, खासकर मुक्तेश्वर एरिया में, और आप भी अपना घर यहाँ पर बनवाना चाहते हैं या कुछ भी कार्य हो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटिव आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन रिलेटिव कोई भी आपकी क्वेरी और सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी पूछिएगा। तो दोस्तों लगभग लेंटर फाइनल होने की तरफ है, और अभी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हाइट पर लेंटर पड़ रहा है, ऊपर ही हम खड़े थे, और फिनिशिंग होने वाला है तो जगह यहाँ पर काफ़ी कम है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, और लास्ट में मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा कि किस प्रकार पूरा लेंटर जब पड़ गया तो किस प्रकार दिख रहा है। अभी आ जाता हूँ नीचे, और ये सामने जो सीढ़ी है, सीढ़ी में अभी ऊपर जाके मैं आपको लास्ट फुटेज एक बार आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल की तरफ है लेंटर, तो चलिए। फाइनली दोस्तों पूरा लेंटर पड़ चुका है, आप देख सकते हैं। ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि लेंटर में जगह है नहीं और लेंटर ख़राब हो जाएगा, तो सीढ़ी में चढ़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके का लुक आ रहा था, काफ़ी बड़ा लेंटर है 1800 स्क्वायर फीट का। तो इस तरीके से पहाड़ों में लेंटर पड़ता है, आप लोग आई होप जरूर समझे होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए आपको छोड़े जाता हूँ खूबसूरत हाइपरलैब में, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।